नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग रीजनिंग के पार्ट को देख रहे थे, रीजनिंग हमारा दो लेक्चर पीछे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और रीजनिंग में हम लोग देख रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग। रीजनिंग के जो हमारे लेटर्स वाला पार्ट था, आज हम लोग उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को देखे और सारे क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आज उसी में हम लोग थोड़ा सा और भी आगे चलेंगे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्वेश्चन के माध्यम से बताना है, उसको हम लोग बताते हुए फिर उसके बाद हम लोग सेंटेंस वाले पे आ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस को क्या कहा जाता है। जैसे ही उसमें आता है कि नीला को हरा कहा जाता है, हरा को पीला कहा जाता है, पीला को काला कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन कोड किए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी अगले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। और उससे पहले आज हम लोग इस पार्ट को, जो हमारा लेटर वाला पार्ट है, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारे पार्ट्स होंगे अलग अलग पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि सबसे पहले ये कहना है कि यदि इफ पीजेंट को इस तरह से हम लोग कोड कराएं तो इसको हम लोग कैसे कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ये पार्ट है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताया है कि आप कुछ भी ना करें, सबसे पहले आप लोग नंबर प्लेस को, जो हमारा लेटर्स नंबर प्लेस है, उसको आप लोग ध्यान से लिख दें, उसके बाद जो भी कुछ करना होगा आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके नंबर्स को लिखने का प्रयास करते हैं। इसके नंबर को लिखा जाए, यानी कि इसका नंबर कितना होता है, 16, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, ए का कितना होता है 1, और एस का 19, ए का यहाँ पर भी 1, एन का 14, और पी का कितना होता है 30। सेम उसी तरह से हम लोग इस साइड भी लिखेंगे और इस साइड लिखने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, एक को एक वर्ड दिया, उसको कोड किया, उसी से हमको आंकड़ा लगाना है कि क्या हमारा इसका कोड होगा, ठीक है। आइए हम लोग इसके नंबर्स को पहले लिखते हैं। आर वाला जो होता है 18 प्लेस पे आता है, और हमारे पास क्यू कितने पर आता है 17 पर, वाई 25 पर, और वी हमारा 22 पर आता है, और वाई भी यहाँ पर 25 पर आता है, और एच हमारा 8 पर आता है, और एन हमारा किस पर आता है 14। आई होप आप लोग इस नंबर, जो हमारे लेटर्स नंबर प्लेस है, उसको आप लोग याद कर चुके होंगे। जो अगर इसको याद कर लेगा वो रीजनिंग को, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, उसको बहुत ही आसानी से वो सॉल्व कर ले जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहाँ से देखना होगा कि क्या इसमें अप्लाई हो रहा है। यानी कि हम लोग पहले लेटर्स को देखें तो पहला हमारा लेटर 16 है और कोड किया गया 18 से, यानी कि पहले लेटर को कोड किया गया 18 से अगर देखा जाए तो। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए, ई को कोड किया जा रहा है 17 से, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखें कि पहला लेटर तो कुछ छोटा सा नंबर पर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दूसरे लेटर का जो नंबर आप प्लेस है बहुत तेजी के साथ छलांग लगा रहा है, यानी कि बहुत तेजी के साथ वो नंबर बढ़ जा रहा है, यानी कि 17 हो जा रहा है। अब हम लोगों को ये प्लान तो हमारा फेल होता दिख रहा है, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें लगना नामुमकिन है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पी की वैल्यू कितनी है 16। जब पी की वैल्यू 16 है तो क्या 16 में अगर 2 को हम लोग ऐड कर दिया जाए, क्या 16 को हम लोग 2 ऐड कर दिया जाए। जब 2 ऐड कर करके उसके बाद हम लोग पी वाले पार्ट को ही 2 ऐड करके लास्ट में लिख रहे हैं, सॉरी इसमें 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं सेपरेट करके लिख रहे हैं, ठीक। उसी तरह से हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि ई की बात की जा रही है, ई में हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस 3 कर रहे हैं, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। यानी कि अगर हम लोग ए की बात करते हैं, ए में से भी हम लोग कितना घटा रहे हैं माइनस टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि -2 इसमें भी सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो ये पूरा हमारे पास यस कितना है यहाँ पर अल्टरनेट में +3 ऐड हो रहा है और अल्टरनेट पे ही माइनस टू क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि पहले वाले वैसे पार्ट में से हम लोग, जो हमारा पहला पार्ट है, ए में से हम लोग -2 को सब्ट्रैक्ट करें, जस्ट उसके अगले वाले नंबर में से हम लोग क्या करें नंबर में +3 ऐड करें, फिर उसके आगे भी देख रहे हैं हम लोग कि माइनस टू कर रहे हैं। यानी कि अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि हमारा जो ये लेटर लिखा हुआ है, ये वर्ड जो लिखा है, इसका हम लोग नंबर ऑफ प्लेस लिख लें,
नंबर प्लेस लिख लेंगे और अल्टरनेट में माइनस टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमारा आगे है उसको हम लोग प्लस थ्री करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा कितना 30 और 1 14 3 और 8 5 18 यही हमारा क्या है इनके नंबर सॉरी इसके नंबर्स प्लेस है लेटर के। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि माइनस टू को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस टू को सब्ट्रैक्ट करना और कहाँ लिखना है लास्ट में लिख देना, यानी कि 18 में से अगर हम लोग माइनस टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा और 16 होता क्या हमारे पास पी होता है। सेम उसी तरह से हम लोग अगले वाले लेटर में क्या करेंगे प्लस थ्री को ऐड करेंगे, प्लस थ्री को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा लेटर आ जाएगा डी। फिर उसके बाद हम लोग इसमें से माइनस टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टू सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी कि यह हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 3 में हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे प्लस 3 को, 3 को ऐड किए तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यानी कि यह आ जाएगा। सेम उसी तरह से हम लोग 8 की बात अगर कर लेते हैं 8 में से भी हम लोग क्या करेंगे माइनस 2 कर देते हैं, माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा यह आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि प्लस 3 की बात करते हैं तो यानी कि ई में हम लोग प्लस 3 कर देंगे यहाँ से 5 में तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, यानी कि यह आ जाएगा, क्या ये यहाँ पर कोड हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ से माइनस 2 कर देंगे यानी कि माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16 की बात जब की जाएगी तो पी आ जाएगा। हमारे पास यही कोड क्या होगा इसका आंसर होगा, यानी कि जो हमारा पी ये वाला पार्ट बन रहा है यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। आया समझ में आप लोग, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग पहले लेटर में से माइनस टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको कहाँ पर लिख रहे हैं लास्ट में लिख रहे हैं, फिर उसके आगे वाले लेटर में हम लोग प्लस 3 ऐड कर रहे हैं उसको भी लास्ट के पहले लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले लेटर में माइनस 2 कर रहे हैं, यानी कि जो कि हम लोग ये पार्ट देख चुके, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ओ है और आर ऑरेंज को कोड किया जा रहा है ए जी ई एन ओ आर, क्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या अपोजिट लेटर यहाँ पर लग रहा है? नहीं, ओ का अपोजिट होता है एल, क्या यहाँ पर एल है कहीं पे? कहीं नहीं। क्या इसमें हम लोग ओ में अगर कोई भी संख्या ऐड करें तो क्या यहाँ पर पहले नंबर मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। क्या यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज को कॉन्सेप्ट यहाँ पर नंबर वाले कॉन्सेप्ट से लगाए तो क्या लग पा रहा है? आप लोग इसको कहेंगे कि नहीं लग रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर एक चीज कॉमन देखना होगा कि हमारे पास ध्यान लगाना होगा कि अल्टरनेट में हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेट में जो लेटर्स हमारे हैं, अल्टरनेट में जो लेटर हमारे हैं वो क्या हो रहा है, वावेल है। क्या है? वावेल है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि जो अल्टरनेट में वावेल है वो क्या हो रहा है, वावेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किसमें है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में भी देखते हैं, तो कॉन्सोनेंट को भी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, यानी कि कॉन्सोनेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। यानी कि इसको हम लोग देख रहे हैं इस वाले पार्ट से, तो हमारे पास वावेल को पहले ला दिया गया, फिर उसके बाद एक प्लेस छोड़ करके फिर से वावेल को लाया गया, फिर से एक प्लेस छोड़ करके फिर से वावेल को लाया गया, फिर उसके बाद इस प्लेस पर रख दिया गया, यानी कि फिर कॉन्सोनेंट को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिए। सेम टू सेम अगर यहाँ पर भी बात की जाए तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर भी जब वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है तो हम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पहला लेटर हमारे पास क्या है होने वाला है, ए होने वाला है, फिर उसके बाद दूसरे लेटर को हम लोग छोड़ेंगे, फिर तीसरा लेटर हमारा कौन सा होगा, आई होगा, तीसरे लेटर के बाद हमारे पास कौन सा होगा, यू होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको एक चीज को ध्यान देना होगा कि हमारा जो ये हमारा वॉवेल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि यहाँ पर जो हमें गिवेन है वॉवेल है वो क्या है, ए आई यू दिया हुआ, यानी कि इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्टरनेट में लिखेंगे तो ए आई यू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट कौन कौन से, कॉन्सोनेंट को हम लोग ध्यान देते हैं, कॉन्सोनेंट को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि हमारे पास बी पहले आएगा, फिर उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, यम को लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद भी हमारे पास एक लेटर और भी बच गया, यानी कि उसे भी यम को हम लिख देंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। यानी कि अल्टरनेट में हमारे पास क्या होगा, वावेल होगा, और उसके बाद हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि रमेश को कोड किया जा रहा है टी बी एन एफ टी जे को,
यानी कि इस फॉर्मेट में ही कंप्लीट इसको कोड करना है, यानी कि इसको हम लोगों को ध्यान देना होगा ये इसको कैसे कोड कर रहा है। अब हम लोगों को ये देखना होगा कि आर हमारे पास कितना है, आर हमारा कितना होता है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, आर हमारे पास कितना होता है, आर का नंबर ऑफ प्लेस कितना होता है, 18 होता है, ए का 1 होता है, 13 होता है यम का, और ई का होता है 5, एस का होता है 19, एच का होता है हमारे पास 8। यही नंबर ऑफ प्लेसेस होते हैं किसके, जो हमारे ये लेटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे इस लेटर्स के क्या है, नंबर ऑफ प्लेसेस है। यानी कि इस चीज़ को जब आप लोगों को ध्यान में ये चीज़ पता चल गई तो क्या आप लोग इसको कोड पर कर पाएंगे आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास आर की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू यहाँ पर बता रहा है वो इवन है, कैसा है, इवन है। और इवन में यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग कि टी का कितना होता है 20, ए का कितना होता है 2, और एन का कितना होता है 14, एफ का होता है 6, टी का 20 और जे का कितना होता है 10। यानी कि हमें ये कह रहा है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस लेटर के क्या हो, इवन हो, यानी कि जब इवन होता है तो दो ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, इवन है तो दो को ऐड कर दे रहा है, प्लस 2 कर रहा है, यहाँ तक समझ में। और जब हमारे पास और इवन नंबर ऑड नंबर जब आ रहा है तो क्या कर रहा है, प्लस 1 कर रहा है। क्या यही कॉन्सेप्ट पूरे में लग रहा है, यहाँ पर जब यही कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, इसको भी वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, ये एम की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 30, आई की वैल्यू कितना हमारे पास 9, टी का भी कितना 20, ए का कितना है 1, एल का कितना है 12 और आई का कितना है 9। सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी चलते हैं, इसका देखते हैं 14, 10, 22, 2 और 14, और क्या हमारे पास है 10। तो हम लोगों को यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास ये वाला है यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहा है, यानी कि जो हमारे पास ऑड है उसमें क्या कर रहा है, प्लस 1 कर रहा है, जो हमारे पास इवन है, इवन को देख लेते हैं हम लोग, इवन में क्या कर रहा है, प्लस 2 कर रहा है। यानी कि क्या हमारे पास भी यही कॉन्सेप्ट नीचे वाले में भी अप्लाई करना पड़ेगा, आप लोगों की बिल्कुल सही कर सकते हैं सर। यानी कि हमारे पास इसको ध्यान से देखा जाए, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होती है 18 और ए की कितना होता है 1 और एन का कितना होता है 14, डी का होता है 2 और आई का होता है 9 और आर का कितना होता है 18। जब हम लोग को ये चीज़ें पता चल गई तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि अगर आर की वैल्यू हमारे पास इवन में है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 को ऐड करेंगे, प्लस 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 20, यानी कि जब 20 मिलेगा तो टी इसको लिखेंगे, और 1 की बात हो रही है जब, तो 1 वाले में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 1 वाले में क्या करेंगे हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब 1 की बात कर रहा है तो यहाँ से यहाँ पर आप चलेंगे, यानी कि जब 1 की बात कर रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर आप प्लेस पर लेटर का प्लेस है, यानी कि हमारे पास इसमें 1 ऐड करेंगे 2 आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। फिर उसी तरह से हम लोग इसको 14 की बात करते हैं, यानी कि 14 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2, और प्लस 2 जब करेंगे तो कितना आएगा 16 को हम लोग क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फिर से वही चीज़ें आ गई यहाँ पर भी, यानी कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे और ये क्या हो जाएगा डी। फिर यहाँ से हमारे पास क्या बच करके आ रहा है, 9 की बात हो रही है, 9 पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि 9 में 1 ऐड करेंगे 10 आएगा, और 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 18 की बात आ रही है, 18 की बात जब आ रही है तो 18 में हम लोग क्या करेंगे, 18 में हमारे पास प्लस 2 करना होगा, यानी कि 18 में 220 यानी कि टी आ जाएगा। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का कोड होगा, यानी कि TBP TBP JD JT, यही इस क्वेश्चन का कोड होगा। क्या आप लोगों को ये, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैरेक्टर इज इक्वल टू ECVEJGT, इसको ये कोड करना है, ठीक है। उसी तरह से हमको ये पूछ रहा है कि LEETHER यानी कि लेदर को क्या, लेदर का कोड क्या होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें पहले कि सबसे पहले हम लोग इसके क्या कर रहे थे, नंबर को लिख रहे थे, नंबर ऑफ प्लेस को लिख रहे थे, यानी कि हमारे पास ये क्या है, सी का अंक कितना होता है 3 होता है, सी का 3 होता है और 1 होता है, ए का, टी का 20, सी का 3, एच का 8 और 5 18। फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर 3 में 2 जोड़ा गया तो 5 और 1 में 2 जोड़ा गया 3, 20 में 2 22, 3 में 5, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस 2 कर रहे हैं सब में, क्या कर रहे हैं, प्लस 2।
प्लस टू जब हम लोग सब में करें तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस टू कर देंगे। तो प्लस टू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एल का कितना होता है 12 होता है, 12 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14, यानी कि एल आ गया। ई में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, यानी कि क्या आ जाएगा जी, प्लस 2 ऐड किया गया। ए में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 को ही ऐड किया जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। टी में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 को ही ऐड करेंगे, 22 आ जाएगा। एच में भी हम लोग 2 को ही ऐड करेंगे, यानी कि 8 होता है, 8 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10, और 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 22 को बी लिखा गया और यहाँ पर जे लिखा जाएगा 10। ई की बात हम लोग कर लेते हैं, ई हमारे पास कितना है, प्लस 2 ऐड करेंगे, ई हमारे पास 5 होता है, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, यानी कि जी आ जाएगा। आर की बात हम लोग कर लेते हैं, तो आर वाले में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे और आर हमारे पास 18 होता है, 18 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20, और 20 को हम लोग क्या कह देंगे टी, यानी कि हमारे पास एन जी सी वी जे जी टी, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, इस सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस में है, प्रीवियस किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आप तक सारे कॉन्सेप्ट को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी तरह से आप लोग वीडियो पर बने रहें और आगे भी हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं, और आप लोग देखते रहिए और अपने रीजनिंग के जो सेक्शन है उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग करते रहें, और आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए भी प्रिपेयर होते रहें, ठीक है। यानी कि अभी आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम लोग इसी के अगले पार्ट की बात हम लोग कर लें, तो वहाँ पर हम लोग सेंटेंस कोडिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हमारा सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में अवश्य देखने के लिए मिलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और इसमें अक्सर करके बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं क्योंकि ध्यान नहीं दे पाते, और ध्यान ही हमें 2-3 पॉइंट्स का ध्यान देना होगा, और जिसके मदद से हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। जब अगर कभी भी कहा जाता है कि यदि जय को गाजर कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है, यानी कि गाजर जय, तो गाजर वास्तव में होती नहीं है, लेकिन जय को गाजर कहा जाता है, यानी कि जब भी अगर जय की बात पूछा जाएगा तो हम लोग उसको आंसर में क्या देंगे, गाजर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोड क्या किया गया, गाजर किया गया, यानी कि जय को गाजर कहा जाता है। ये हमारे जहन में उतार लेना होगा कि जहाँ पर कहा जाने की बात होता है तो हमारा लास्ट वाले को ही हम लोगों को क्या करना होता है, ध्यान देना होता है कि क्या उसको कहा जा रहा है और किसको कहा जा रहा है, तब हमारे जाकर के क्वेश्चन आसानी से निकल करके आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि जय को गाजर कहा जाता है, ध्यान दीजिए, जय को गाजर कहा जाता है, गाजर को ब्लिप्स कहा जाता है, गाजर को ब्लिप्स कहा जाता है, और ब्लिप्स को फूल कहा जाता है, यानी कि ब्लिप्स को क्या कहा जाता है, फूल कहा जाता है। अब फूल को क्या कहा जाता है, पत्थर कहा जाता है, फूल को क्या कहा जाता है, पत्थर कहा जाता है, यानी कि, और गुब्बारे को क्या कहा जाता है, खिलौना कहा जाता है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि तो कलियां खिलकर क्या बनती है, तो कलियां खिलकर के बाद क्या बनती है, फूल बनती है, तो फूल को क्या कहा जा रहा है, यहां पर पत्थर कहा जा रहा है। आयो भी समझ में आया होगा आप लोगों को, फिर से देखिएगा, ये कह रहा है फूल को पत्थर कहा जाता है, यानी कि कलियां खिलकर के क्या बनती है, फूल बनती है। जब फूल बनती है तो फूल को इसमें कोडिंग में क्या कहा गया है कि फूल को ही हम लोग पत्थर कहते हैं, यानी कि पत्थर हमारे पास क्या होगा, यानी कि सी हमारे पास आंसर होगा, सी चेन्नई हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर सी हमारा आंसर होगा, ठीक। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा को जल कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, वर्षा को जल कहा जाता है। जो भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको आप लोग अंडरलाइन करके ही करें, अंडरलाइन करेंगे तो आप लोगों को जो हमारा पॉइंट होगा, मेन पॉइंट होगा, जिसके बारे में जो बातें की जा रही हैं वो हमारे हाईलाइट होकर के दिखेगा, और जिससे कि हम लोग आंसर पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें कि वर्षा को जल कहा गया, यानी कि वर्षा हमारे पास
वर्षा को जल कहा गया, यानी कि दो तो हमारे पास वर्ड मिल गए। जल को क्या कहा जा रहा है? सड़क कहा जा रहा है। जल को क्या कहा गया? सड़क कहा गया। और सड़क को यहां पर क्या कहा जा रहा है? बादल कहा जा रहा है। यानी कि बादल को क्या कहा जा रहा है? आकाश कहा जा रहा है। आकाश को क्या कहा जा रहा है? समुद्र कहा जा रहा है। तथा समुद्र को क्या कहा जा रहा है? रास्ता कहा जा रहा है। तो एक हवाई जहाज कहां उड़ता है? जाहिर सी बात है कि हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। यानी कि जो आकाश में उड़ता है तो आकाश को हम लोग क्या कहते हैं? आकाश को क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। इस कोडिंग के अनुसार अभी मत दिमाग में बैठा लेना कि सर आकाश को आप समुद्र कह रहे, ऐसा नहीं भाई। आप लोग इसको ध्यान से देखें, ये कोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग आकाश को क्या कहें? समुद्र कहें। और यही पूछा है कि एक हवाई जहाज कहाँ पर उड़ता है, तो हम कहेंगे कि आकाश में उड़ता है। आकाश की कोडिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पर समुद्र हो जाएगी। यानी कि बी फॉर बॉम्बे हमारे पास यही आंसर होगा। क्या आप लोगों को सेंटेंस कोडिंग समझ में आई? अगर आप लोगों को सेंटेंस कोडिंग समझ में आई गई हो तो आप लोग कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है? आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप का, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और जिससे कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, यानी कि किस टाइप से इसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। अगर उस चीज़ को हम लोग अभी जान लेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि हम लोग को ध्यान देना होगा कि जो भी हमारे यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए, जो भी कोड करके लिखे गए, उनको हम लोगों को एक कॉमन चीज़ों को ढूंढना होगा। क्या करना होगा? कॉमन चीज़ों को ढूंढना होगा और उन सबको अलग अलग स्ट्रक्चर से, अलग अलग शेप से क्या करेंगे? हम लोग घेर देंगे, ठीक है? यानी कि उसको सर्किल कर देंगे, और जिससे कि हमें वो डायरेक्ट देखे कि हाँ इस चीज़ का यही अर्थ बनेगा, ठीक है? जब इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे ध्यान से, तो हमारे सारे के सारे जो वर्ड होंगे और एक दूसरे के जो अर्थ कोड हुए सब वो निकल करके आ जाएंगे, और उससे हम लोग अपने आंसर को कंपेयर करेंगे और आंसर दे देंगे आसानी से। आइए हम लोग देखते हैं बी यू जी, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा बुज है, ठीक है, इसकी कॉपी की बात अगर की जा रही है, यानी कि ये कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या हम लोग इसको सर्किल बना दें? बिल्कुल, इसको एक सर्किल में हम लोग ड्रा कर देते हैं। यानी कि पहले और तीसरे में क्या कॉमन आया है? बी यू जी। यानी कि जब ये कॉमन आया है तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा कि इसी के अर्थ में जो कॉमन आएगा उसको भी हम लोग क्या कर देंगे? सर्कल ही करेंगे। क्या बी यू जे बुज और बी ओ यानी बोन, ये कोड हो गया क्या इससे? आप कहोगे कि बिल्कुल सर, ये भी सर्कल दिख रहा है, ये भी सर्कल दिख रहा है, यानी कि इनके कोड यही होंगे, ये फिक्स हो गया। एक चीज तो हमने फिक्स कर लिया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि यम आई जेड को हम लोग ट्राइंगल से इसको हम लोग कर लेते हैं। ये एम आई जेड को हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, यानी कि एम आई जेड को हम लोग ट्राइंगल बनाए पहले दूसरे में। यानी कि पहले दूसरे में क्या हमारे पास बैक यहाँ पर है? क्या यहाँ पर बैक है? क्या ट्राइंगल से हम लोग इसको घेर दें? क्या हमें ये पता चल गया कि इसका यही यही चीज होगी? यानी कि अब हमारे पास जो हमारा बच गया और वही का वही क्या होगा इसका? देखिए, हम लोग इसको रेक्टेंगल बना देते हैं, और कोल को कहाँ पर है? कोल कहीं पर है? कोल कहीं पर है ही नहीं। यानी कि बच गया, कोल तो हमारे पास बच गया, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास के हो जाएगा, कोल का क्या हो जाएगा? किक हो जाएगा। आर आई टी का क्या हो जाएगा? रिट का बेयर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये ध्यान देना होगा कि थ्रेड बेयर लिखा होगा कि किस शब्द का अर्थ थ्रेड बेयर होगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेयर का हम लोग पकड़ लेते हैं, थ्रेड के बारे में हमें तो यहाँ पे कोई कुछ पता ही नहीं है, तो भैया हम लोग थ्रेड को ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है? यहाँ पर हम लोग पकड़ लेंगे किसको? बेयर को। यानी कि क्या बेयर को हमारा किसका कोड है हम लोगों को पता चल गया? बेयर किसका कोड है? रीड का। यानी कि बेयर किसका कोड है? रीड का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपेयर कर लेंगे हम लोग, यानी कि रीड का कोड अर्थ क्या है? बेयर है। यानी कि इसमें हम लोगों को देखना होगा कि बेयर का अर्थ, बेयर किसका अर्थ है? यानी कि रीड का। यहाँ से देखिए, क्या किसी में रीड मिल रहा है? किसी में मिल रहा है? यहाँ पर रीड मिल रहा है, यानी कि जब ये रीड मिल रहा है तो डी फॉर डेली, यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
आप लोगों को ये समझ में आ गया किस हिसाब से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना, यानी कि जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उन लोगों को कंपेयर करना होता है कि कौन सा किसके अर्थ बन रहे हैं और कौन सा कॉमन मिल रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल लेते हैं। अब उसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये क्या है, यदि किसी भाषा में गर्ल आर वेरी ब्यूटीफुल के लिए कूट है 9, 2, 3, 4, अब उसके बाद कह रहा है कि ब्यूटीफुल पर्सन आर इनकरेजमेंट के लिए कूट है 4, 5, 6, 7, यानी कि इनकरेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट के लिए कूट है 3, 5, 8, 1, अब उसके बाद कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पर्सन आर रेयर के लिए कूट है 2, 6, 8, 0, तो उसी भाषा में इनकरेजमेंट का कूट क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से इसको हम लोग निकालेंगे। सेम वही पहले वाला प्रोपेगेंडा अपनाएंगे और उसी से हम लोग इस चीज़ को निकाल लेंगे, यानी कि पहले वाले मेथड को, पहले वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए और आंसर ले लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन कौन सा आ रहा है, यानी कि इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। क्या ब्यूटीफुल कॉमन हमारे पास आ रहा है? बिल्कुल, आपको बिल्कुल सर ब्यूटीफुल तो आ ही रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल जब कॉमन आ रहा है तो इन दोनों नंबर में भी हम लोगों को देख लेना होगा कि कौन सा कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी कि ब्यूटीफुल में भी हम लोगों को देख लेना होगा कि क्या कॉमन आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ब्यूटीफुल में कॉमन आ रहा है, इसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि 4 को हम लोग क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीसरे वाले कूट में ये वेरी कह रहा है और इसमें भी पहले वाले में कूट कह रहा है कि वेरी है, यानी कि वेरी का कूट किसमें किया गया, इस नंबर को देखा गया और इस नंबर में कौन सा कॉमन आ रहा है, क्या हमारे पास 3 आ रहा है, जब 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 को भी हम लोग बॉक्स में फिल कर देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बचा हमारे पास क्या क्या है, इंपॉर्टेंट बचा हुआ, पर्सन बचा हुआ, इज बचा हुआ है, आर बचा हुआ, यानी कि इंपॉर्टेंट की बात अगर हम लोग कर लेते तो इंपॉर्टेंट को हम लोग ट्राइंगल में बंद करते हैं, इंपॉर्टेंट हमारा ट्राइंगल में बंद हुआ। उसके बाद इसमें इस हम लोग को कंपेयर करना है, 8 हमारे पास कंपेयर होकर के निकल करके आ गया, ये बॉक्स में बंद हो गया। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब यहाँ तक जब आप लोगों को समझ में आ गया तो अब हम लोग छोटा सा और भी चीज़ बचा हुआ उसमें एक बार और कंपेयर करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पर्सन की बात कर लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग यहाँ पर इज की बात करते हैं, इज किसी में कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, क्या रेयर कहीं पे कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, क्या हम लोग यहाँ पर देखा जाए कि आर कॉमन कहीं पर आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि आर की बात हम लोग कर लेते हैं, आर की बात हम लोग करते हैं तो रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं इसको, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में हम लोग ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, यानी कि रेक्टेंगल की बात की जा रही है, यानी कि रेक्टेंगल में बंद कर दिए। आर जिस वाले में उसमें इसमें कॉमन कौन सा मिला हमारे पास, यहाँ पर देखिएगा क्या हमारे पास 2 हमारे पास मिल गया, 2 को हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल में बंद कर दें, यानी कि 2 भी हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। अब उसकी बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पर अब बचा कौन सा है हमारे पास, गर्ल की बात की जा रही थी तो गर्ल का कूट अब बच क्या गया, 9 होगा, ये तो फिक्स हो गया, यानी कि 9 संख्या हमारा किसकी है, गर्ल की है, यानी कि आंसर हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद इज की बात कर रहा है, इज की बात जब कर रहा है और यहाँ पर पर्सन की बात कर रहा है तो पर्सन की बात हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि इसको हम लोग किससे बना देते हैं, यानी कि इसको हम लोग सर्किल से बना देते हैं, यानी कि पर्सन हमारे पास क्या है, सर्किल से बना दिए, यानी कि सर्किल और सर्किल इसमें कौन कौन सा है, इसमें कौन सा कॉमन आएगा, सी कॉमन आएगा, यानी कि क्या ये सर्किल वाला 6 कॉमन हो गया। अब क्या बच गया है, नीड बच गया है और क्या बचा है हमारे पास, नीड और इनकरेजमेंट, यही हमारे पास बचे हुए हैं। अब यहाँ पर रेयर की बात अगर की जा रही है तो रेयर के लिए हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, क्या यहाँ पर 0 है, कहीं है ही नहीं, तो यानी कि रेयर का कंडीशन ही खत्म हो गया। अब वहां पर हम लोग देखते हैं कि नीड की बचा हुआ है और इंगेजमेंट बचा हुआ है, नीड बचा हुआ है और इनकरेजमेंट बचा हुआ है, यानी कि इनकरेजमेंट की बात अगर हम लोग कर ले तो क्या हमारे पास यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक, इनकरेजमेंट की बात हम लोगों को निकालना पड़ेगा, यहाँ से कैसे निकलेगा बताइए, क्या यहाँ पर कुछ कॉमन मिल पा रहा है, इनकरेजमेंट की बात अगर की जाए, नीड की बात और इनकरेजमेंट तो दोनों में कॉमन है मेरे भाई, यानी कि इसको हम लोग एक अनदर बॉक्स में पुट कर दें, यानी कि इनकरेजमेंट इन दोनों में है, यानी कि इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन निकाला जाए तो क्या मिलेगा,
यहाँ पर ये 7 होगा ना, ठीक है, ये 7 होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इंक्रीजमेंट के लिए क्या मिल गया, 7 मिल गया, और इंक्रीजमेंट के लिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पर 7 नहीं होना चाहिए ना, 1 ही रहेगा, सॉरी गलती होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारे पास इंक्रीजमेंट के लिए क्या 5 मिल रहा है। इंक्रीजमेंट को हम लोग कॉपी जब किए तो इंक्रीजमेंट के लिए यहाँ पर 5 और इंक्रीजमेंट के लिए इसमें भी कॉमन क्या रहा 5 आ रहा, यानी कि इंक्रीजमेंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, यही हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, और आप लोग कमेंट भी कीजिए, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें, और आप लोग चैनल पर बने रहें, और सारे सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा, और बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को हम रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग पार्ट के सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, वन बाई वन, समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप लोग आराम से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।